बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पूरी तरह एक्शन में हैं। के पाठक की ओर से शिक्षकों, हेडमास्टरों के अलावा शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों पर अब नज़र पड़ी है। के पाठक वैसे अधिकारियों पर लगातार एक्शन ले रहे हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं। आइए जानते हैं के पाठक ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लेकर खलबली कैसे मचा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार सरकार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने आदेशों को लेकर आलोचना झेलते रहे हैं। स्कूल की टाइमिंग को लेकर विधानसभा में हुए बवाल के बाद सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें ईमानदार अधिकारी बताया। शिक्षक संगठनों और बाकी शिक्षकों की शिकायत के बाद भी सरकार ने के पाठक से कोई सवाल आज तक नहीं किया है। के पाठक लगातार अपना काम करते जा रहे हैं, हालांकि उनके कई फैसले विवादों में रहे हैं। राजभवन से उनका विवाद अभी भी जारी है। उसके अलावा उन्होंने यूनिवर्सिटी के खातों के संचालन पर रोक लगा दी है। उधर गर्मी की छुट्टी में भी शिक्षकों को टास्क बांट दिया है। अब के पाठक ने वैसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है जो फोन नहीं उठाते हैं। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कड़ा फैसला लिया है। कहा जाता है एक बार जब वो कोई फैसला ले लेते हैं तो फिर अपनी भी नहीं सुनते हैं। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने फोन नहीं उठाने वाले बिहार के 25 जिलों के 67 बीईओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। 67 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीईओ का वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया है। के पाठक पूर्व में भी हेडमास्टर और वैसे शिक्षकों का वेतन बंद करते रहे हैं जो कर्तव्य में लापरवाही करते हैं या फिर उनकी कोई शिकायत मिलती है। हाल फिलहाल में के पाठक ने किसी शिक्षक और हेडमास्टर पर कार्रवाई नहीं की है। शिक्षकों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि के पाठक शिक्षक पर क्या कार्रवाई करेंगे। शिक्षक अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं। के पाठक को थाली वितरण, बेंच, डेस्क खरीद और स्कूलों में बैग वितरण में हुई धांधली की शिकायत मिली है। उनके कमांड एंड कंट्रोल रूम में लगातार ग्रामीण इलाकों से शिकायत आ रही है, उस पर के पाठक ध्यान दें। शिक्षकों ने बताया कि उन्होंने कई जिलों के बीईओ का वेतन रोक दिया है। ये अच्छी पहल है। अधिकारी बहुत ज़्यादा शिक्षकों को टॉर्चर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। के पाठक का डंडा 25 जिलों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों पर चला है। इतना ही नहीं, के पाठक ने इन अधिकारियों पर आरोप पत्र दाखिल करने की बात कही है। के पाठक ने राज्य के 25 जिलों के 67 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों का वेतन भुगतान रोकने का आदेश जारी किया है। विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से पत्र व्यवहार कर कहा है कि इनका वेतन तत्काल रोका जाए। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से आने वाले कॉल का जवाब क्यों नहीं देते, इसका स्पष्टीकरण मांगा गया है। बार बार कॉल के बाद भी पदाधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। शिक्षा विभाग ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में आने वाली शिकायतों के संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से फोन कॉल के माध्यम से जानकारी जुटाने पर जोर दिया है। पत्र में कहा गया है कि ये निराशाजनक है कि कई पदाधिकारी फोन कॉल का जवाब नहीं देते हैं। इसी को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अगर इन बीईओ का वेतन रोका जा चुका है तो उनके खिलाफ आरोप पत्र तैयार करें। अगर कोई निलंबित है या उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है तो पूरक आरोप पत्र तैयार करें, साथ ही कड़ी कार्रवाई का सुझाव दें। इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। शिक्षा विभाग की ओर से ये भी कहा गया है कि अगर पहले से इनका वेतन बंद है तो इनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित करें। अगर पहले से कोई निलंबित है या आरोप पत्र गठित है तो पूरक आरोप पत्र गठित करते हुए कठोर कार्रवाई की अनुशंसा करें। विभाग ने निलंबन या मौजूद आरोप पत्र के मामलों में अनुपूरक कार्रवाई के साथ साथ सख्त कदम उठाने की संस्तुति भी जरूरी है। जिन जिलों के बीईओ पर सख्त कार्रवाई की गई है उनमें 25 जिलों के बीईओ शामिल हैं। उन जिलों में अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सिवान, शेखपुरा, सुपौल, वैशाली और पश्चिम चंपारण शामिल है। के पाठक ने विभाग को कहा है कि तुरंत इन पर कार्रवाई कर इसकी रिपोर्ट दी जाए। के पाठक की कार्रवाई से जिलों के शिक्षा कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। तो इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। धन्यवाद।